हेलो डियर्स, टुडे वी विल डिस्कस अबाउट सेंट्रीफ्यूगल क्लच, कॉनिकल क्लच. सो फर्स्ट वन इज द सेंट्रीफ्यूगल क्लच. जैसा कि मैंने आपको बताया कि सेंट्रीफ्यूगल क्लच इज द पार्ट ऑफ द फ्रिक्शन प्लेट क्लच. मीन्स जो सेंट्रीफ्यूगल क्लच है वो भी फ्रिक्शन पर ही वर्क करती है. यहाँ भी अपने पास फ्लाईव्हील के साथ फ्रिक्शन होगा, ग्रिपिंग होगी, जिससे इंजन पावर फर्दर हम ट्रांसमिट करेंगे. तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, इट इज़ द स्कीमेटिक लेआउट ऑफ सेंट्रीफ्यूगल क्लच. तो सेंट्रीफ्यूगल क्लच के बारे में आपको बताना चाहूँगा कि जैसे आपने सुना होगा कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स मीन्स जैसे कि हम जैसे किसी भी चीज़ को एक फिक्स एक्सिस के अबाउट अगर रोटेट कराते हैं तो वो टेंजेंशियली डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करता है. ठीक है, तो मीन्स आप यहाँ पर देख रहे हैं कि दीज आर द कोइल स्प्रिंग्स एंड दीज आर द फ्रिक्शन लाइनिंग. मीन्स दिस एंड दिस, दीज टू आर द फ्रिक्शन लाइनिंग या फ्रिक्शन प्लेट भी हम बोल सकते हैं. ओके, एंड दीज आर द शूज और फ्लाई राइड्स. सेकेंड, दिस इज द ड्रिवन मेम्बर. दिस वन इज द ड्रिवन मेम्बर. तो जैसे ही इंजन स्टार्ट होगा तो दिस इज माउंटेड ऑन द शाफ्ट ऑफ द इंजन. तो जैसे इंजन स्टार्ट होगा तो क्या होगा कि ये वाला पार्ट है ये रोटेट करना स्टार्ट करेगा, और जैसे जैसे इंजन की स्पीड हम इंक्रीज करेंगे तो इंजन की स्पीड इंक्रीज होने के साथ साथ मीन्स एक टेंजेंशियल डायरेक्शन में या परपेंडिकुलर डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, जिससे क्या होगा कि ये जो फ्रिक्शन लाइनिंग है ये अपने पास एक्सपेंड होना स्टार्ट करेंगे. मीन्स आउटसाइड मूव करने की कोशिश करेंगे और इस ड्रिवन मेंबर के कॉन्टेक्ट में आएंगे. अब यहाँ पर अपने पास फ्रिक्शन लाइनिंग मटेरियल है, जिससे क्या होगा कि ये ड्रिवन मेंबर के साथ कॉन्टेक्ट बनाएगा, ग्रिप बनाएगा, जिससे क्या होगा कि जो अपने पास इसकी मोशन है, बिकॉज दिस पार्ट इज माउंटेड ऑन द इंजन साफ, तो इसकी मोशन है वो इस ड्रिवन मेंबर को ट्रांसमिट हो जाएगी एंड पावर इज फर्दर ट्रांसमिटेड. तो हम एक दूसरे डायग्राम के थ्रू भी इसको समझ सकते हैं. तो जैसे कि मैं आपको बता दूं, ये हमारा एक फ्रंट व्यू है. तो इसमें आपने देखा दिस इज द ड्राइविंग साफ, जिसको हम इंजन साफ भी बोल सकते हैं, एंड दैट इज द ड्रिवन साफ. ओके, तो आपने देखा कि ड्राइविंग साफ्ट है, ये अपने पास क्या है, फ्रिक्शन लाइनिंग है. ओके, तो ये क्या होता है कि जैसे ये ड्राइविंग शाफ्ट या इंजन स्टार्ट करेगा तो ड्राइविंग शाफ्ट के साथ साथ ये भी रोटेट करेंगे, और जब ये रोटेट करेंगे तो आउटवर्ड डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करेंगे. मीन्स स्प्रिंग्स एक्सपेंड होंगी और ये वाला जो पार्ट है फ्रिक्शन लाइनिंग मटेरियल इस ड्रिवन मेंबर के कॉन्टैक्ट में आएगा. जब ये इसके कॉन्टैक्ट में आएगा तो ये ड्रिवन मेंबर को भी अपने साथ साथ रोटेट करेगा, एंड ड्रिवन मेंबर इज माउंटेड ऑन द ड्रिवन शाफ्ट. मीन्स ये इस ड्रिवन शाफ्ट को भी रोटेट करेगा. हम इस डायग्राम में भी देख सकते हैं इस तरह से ये होते हैं. तो ये इस तरह से जैसे ये रोटेट करेगा तो ड्यू टू सेंट्रीफ्यूगल फोर्स मीन्स इट मेक कॉन्टैक्ट विद द ड्रिवन मेंबर. तो हम एक व्हेन द, अब हम देख लेते हैं वर्किंग. व्हेन द इंजन इज स्टार्टेड द स्पीड ऑफ द ड्राइविंग शाफ्ट इज लेस. मतलब जब लो लेस स्पीड पर इंजन स्टार्ट होता है सो द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज ऑल्सो लेस. ठीक है, देयरफॉर शूज डू नॉट मूव आउटवर्ड्स एंड टॉर्क इज नॉट ट्रांसमिटेड टू द रियर व्हील. मीन्स वो ड्रिवन जो व्हील है या मेंबर है उसके साथ कॉन्टैक्ट में नहीं हो पाएगा, जिससे अपन इंजन टॉर्क को फर्दर ट्रांसमिट नहीं कर सकते हैं. एज द स्पीड ऑफ इंजन इंक्रीजेज, जैसे हम इंजन की स्पीड को बढ़ाएंगे द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ऑल्सो इंक्रीजेज. ठीक है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी बढ़ेगा. तो एट सर्टेन इंजन स्पीड द शूज फ्लाई ऑफ आउटवर्ड ड्यू टू इंक्रीज सेंट्रीफ्यूगल फोर्स. मैंने आपको डायग्राम में बताया था कि जो शूज हैं वो आउटवर्ड मूव करेंगे एंड दे कम इन कॉन्टैक्ट विद द ड्रिवन मेंबर. नाउ बोथ द ड्राइविंग एंड ड्रिवन मेंबर्स रोटेट टुगेदर एंड द क्लच इज सेट टू बी एंगेज. मीन्स क्लच इज एंगेज. दस द इंजन टॉर्क इज ट्रांसमिटेड टू द रियर व्हील. व्हेन द इंजन स्पीड डिक्रीज, सेम प्रोसेस है. व्हेन द इंजन स्पीड डिक्रीज द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ऑल्सो डिक्रीज. सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी डिक्रीज होगा.
और नाउ द शूज रिटर्न टू देयर ओरिजिनल पोजिशन, क्योंकि जो स्प्रिंग्स हैं वो अंडर प्रेशर हैं और जैसे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कम होगा तो वो स्प्रिंग्स हैं उन शूज को अपनी ओर खींचने की कोशिश करेंगे, जिससे क्या होगा कि जो क्लच प्लेट है वो ड्रिवन मेंबर से डिसएंगेज हो जाएगा या फिर वहाँ पर उनके बीच में गैप बन जाएगा, तो उस पोजिशन को हम बोल सकते हैं कि नाउ द क्लच प्लेट इज डिसएंगेज। नाउ एप्लीकेशन ऑफ सेंट्रीफ्यूगल क्लच मीन्स कहाँ पर हम सेंट्रीफ्यूगल क्लच का यूज करेंगे, तो सेंट्रीफ्यूगल क्लच आर यूज इन ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन व्हीकल्स, जैसे कि आजकल आप देख रहे हैं जो SUV या मर्सिडीज वगैरह हैं वहाँ पर कोई क्लच प्लेट या इस तरह से कोई सिस्टम नहीं होता है, वो मीन्स एक्सीलेटर पैडल को आप प्रेस करते चले जाइए ऑटोमेटिक अपने पास कॉन्टैक्ट हो जाता है, लाइक मोपेड्स एंड टू व्हीलर विद गियर यूज इन सेमी ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन व्हीकल लाइक सम मॉडर्न कार्स। इसे आपने देखा होगा कि पुराने ज़माने में जैसे कि मोपेड आती थी जो जिनके अंदर गियर नहीं होते थे, तो जैसे ही हम इंजन को स्टार्ट करते हैं तो मीन्स व्हीकल जो मोपेड है वो मूव नहीं करेगी, जैसे हम थोड़ा सा स्पीड बढ़ाते हैं इंजन की स्पीड को बढ़ाते हैं तो मीन्स क्या होता है वो रोटेट करना स्टार्ट कर जाती है, मीन्स आगे मूव करना स्टार्ट कर जाती है, तो स्पीड इंक्रीज जब हमने किया तो इंजन की स्पीड बढ़ा, इंजन की स्पीड अगर बढ़ाएंगे तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बढ़ेगा, अगर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बढ़ेगा तो जो शूज हैं वो ड्रिवन मेंबर के साथ क्या हो जाएंगे एंगेज हो जाएंगे और इंजन पावर को हम फर्दर ट्रांसमिट कर सकते हैं। नाउ आवर नेक्स्ट क्लच इज कॉन क्लच, तो कॉन क्लच मीन्स डायग्राम्स आपके सामने हैं, तो जैसे कि द कॉन क्लच इज ऑल्सो वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ फ्रिक्शन, यहाँ भी क्या होगा कि फ्रिक्शन होगा बिटवीन द ड्राइविंग मेंबर एंड द ड्रिवन मेंबर, तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि जो आपका ड्रिवन मेंबर है वो एक तरह से फीमेल है और जो ड्राइविंग मेंबर है वो आपके पास मेल है, मीन्स इन दिस केस आप देख रहे हैं कि जो लाइनिंग मटेरियल है या फ्रिक्शन जो है वो एक कौन सरफेस पर है लाइक दिस, मीन्स आप ये भी देख सकते हैं लाइक दिस, मीन्स सिंगल प्लेट क्लच की तरह ही होता है, लेकिन सिंगल प्लेट क्लच में क्या होता है कि जो सरफेसेस होते हैं यहाँ पर वो बिल्कुल फ्लैट होते हैं, लेकिन यहाँ पर जो है होगा कॉन्टैक्ट होगा फ्रिक्शन मेटेरियल का विद द ड्रिवन मेंबर वो इन ए कौन से, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि जब प्लेट सिंगल प्लेट क्लच के अंदर क्योंकि फ्लैट सरफेसेस थे तो मीन्स जितना अपने पास एक्सियल फोर्स है वो नॉर्मल फोर्स के बराबर है, बट इन केस ऑफ कोन क्लच द नॉर्मल फोर्स या नॉर्मल प्रेशर इज ग्रेटर देन द एक्सियल फोर्स, मीन्स ज़्यादा ग्रिपिंग होगी यहाँ पर, ओके फंक्शन सेम है, सो द कोन क्लच कंसिस्ट ऑफ फ्रिक्शन सरफेस इन द फॉर्म ऑफ ए कोन, मीन्स कोन क्लच के अंदर जो फ्रिक्शन सर्फेसिज होते हैं वो इन द फॉर्म ऑफ कोन एक कोन की शेप में होते हैं, द इंजन शाफ्ट कंसिस्ट ऑफ द फीमेल कोन, जो इंजन शाफ्ट होती है वो फीमेल कोन बोल सकते हैं, एंड द मेल कोन इज माउंटेड ऑन द स्प्लाइन क्लच शाफ्ट, जैसा कि मैंने आपको डायग्राम बताया इट हैज फ्रिक्शन सर्फेसिज ऑन द कोनिकल पोर्सन, कोनिकल पोर्सन पर होता है, द मेल कोन कैन स्लाइड ऑन द क्लच शाफ्ट एंड द क्लच इज एंगेज, द फ्रिक्शन सर्फेस ऑफ द मेल कोन आर इन कॉन्टैक्ट विद दैट ऑफ द फीमेल कोन ड्यू टू फोर्स ऑफ द स्प्रिंग, ओके व्हेन द क्लच पेडल इज प्रेस, जब क्लच पेडल को प्रेस करेंगे तो द मेल कोन स्लाइड्स अगेंस्ट द स्प्रिंग फोर्स एंड द क्लच इज डिसएंगेज, जब हम पेडल को प्रेस करेंगे तो सेम वही है कि जो मेल कोन है वो क्लच शाफ्ट के ऊपर फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा, जिससे क्या होगा क्लच प्लेट इज डिसएंगेज। द ओनली एडवांटेज मीन्स इसको यूज क्यों करते हैं इज दैट द नॉर्मल फोर्स एक्टिंग ऑन द फ्रिक्शन सर्फेसेज इज ग्रेटर देन द एक्सियल फोर्स, मीन्स इस पॉइंट पर ध्यान दीजिएगा कि कौन क्लच के अंदर जो नॉर्मल फोर्स एक्ट हो रहा है ऑन द फ्रिक्शन सर्फेसेज दैट इज ग्रेटर देन द एक्सियल फोर्स एज कम्पेयर टू द सिंगल प्लेट क्लच, एज कम्पेयर टू द सिंगल प्लेट क्लच, क्योंकि सिंगल प्लेट क्लच के अंदर जो नॉर्मल फोर्स एक्ट होता है ऑन द फ्रिक्शन सर्फेसेस वो इक्वल होता है टू द एक्सियल फोर्स, सिंगल प्लेट क्लच के अंदर नॉर्मल फोर्स और एक्सियल फोर्स दोनों बराबर होते हैं, बट इन केस ऑफ द कोन क्लच द नॉर्मल फोर्स इज ग्रेटर देन द एक्सियल फोर्स, ओके ड्यू टू दिस रीजन वी यूज कोन क्लच। अब इसका कुछ डिसएडवांटेज भी है कि मीन्स द डिसएडवांटेज इन द कोन क्लच इज दैट इफ द एंगल ऑफ द कोन इज, जो कोन शेप अपने बनाई हुई है मेल पार्ट की या फीमेल पार्ट का, तो इफ द एंगल ऑफ कोन इज स्मॉलर देन 200 से अगर कम है तो मेल कोन टेंड्स टू बाइंड इन द फीमेल कोन, मीन्स दोनों अपने पास बाइंड हो जाएंगे एंड इट बिकम डिफिकल्ट टू डिसएंगेज द क्लच, तो काफ़ी प्रॉब्लम हो जाती है, काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस होता है ये क्लच प्लेट को डिसएंगेज करना, ठीक है ये इसका एक मेन लिमिटेशन है।
अब है कि कौन क्लचेज आर जनरली नाउ ओनली यूज इन लो पेरिफेरल स्पीड्स एप्लीकेशंस ऑल्दो दे वर वंस कॉमन इन ऑटोमोबाइल्स एंड अदर कंबसन इंजन ट्रांसमिशन. दे आर यूजुअली नाउ कन्फाइंड टू वेरी स्पेशलिस्ट ट्रांसमिशन इन रेसिंग रेलिंग और इन एक्सट्रीम ऑफ रोड व्हीकल्स ऑल्दो दे आर कॉमन इन पावर बोर्ड्स. स्मॉल कॉन क्लचेज आर यूज इन सिंक्रोनाइजर मैकेनिज्म इन मैनुअल ट्रांसमिशन. Now the next transmission system is fluid coupling. जैसे कि हमने देखा कि अभी तक जितने भी क्लच ब्रेक पढ़ाए हमने उन सब में क्या था, एक कॉन्टैक्ट है, एक फिजिकल कॉन्टैक्ट है बिटवीन द ड्राइविंग मेम्बर एंड ड्रिवन मेम्बर. ओके, चाहे वो फ्रेट सर्फेसिस की फॉर्म में हो या फिर अपने पास कौन शेप की सर्फेसिस की फॉर्म में हो, चाहे वो सिंगल प्लेट हो या फिर मल्टी प्लेट हो, बट इन केस ऑफ फ्लूड कपलिंग मीन्स यहाँ पर कोई फिजिकल कॉन्टैक्ट नहीं होगा बिटवीन द ड्राइविंग मेंबर एंड ड्रिवन मेंबर. यहाँ पर हम एक फ्लूड के थ्रू क्या करेंगे, पावर को ट्रांसमिट करेंगे. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज द फ्लूड कपलिंग. द फ्लूड कपलिंग इज ऑल्सो नोन एज हाइड्रोलिक कपलिंग. तो मीन्स हाइड्रोलिक वर्ड आ रहा है, तो मैंने आपको पहले बताया था कि जहाँ भी हाइड्रोलिक आ रहा है इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर कोई ना कोई लिक्विड आपके पास एक्शन में होगा. तो हाइड्रोलिक कपलिंग इज ए हाइड्रोडायनामिक डिवाइस. मीन्स हाइड्रोडायनामिक मीन्स एक लिक्विड है वो क्या करेगा, फोर्स या प्रेशर अप्लाई करेगा. तो लिक्विड प्रेशर या लिक्विड फोर्स की वजह से हम क्या करेंगे, पावर को ट्रांसमिट करेंगे या फिर क्लच शाफ्ट को रोटेट कराएंगे. विच इज यू टू ट्रांसफर रोटेशनल पावर फ्रॉम वन शाफ्ट टू अनदर बाय द यूज ऑफ ट्रांसमिशन फ्लूइड. इट इज यूज इन ऑटोमोटिव ट्रांसमिशन सिस्टम जैसे कि मैरिन प्रोपल्शन सिस्टम एंड इंडस्ट्रीज ऑफ फॉर पावर ट्रांसमिशन. इट इज यूज एज एन अल्टरनेटिव फॉर द मैकेनिकल क्लच. ठीक है, ये एक अल्टरनेटिव फॉर्म होता है ऑफ द मैकेनिकल क्लच एंड इट वॉज डिस्कवर्ड बाई डॉक्टर हरमन फोटिंगर. ही पैटेंटेड हिज डिस्कवरी ऑफ फ्लूइड कपलिंग एंड टोर कन्वर्टर इन द ईयर 1950. अब देखिए यहाँ पर दो वर्ड आ रहे हैं, फ्लूइड कपलिंग एंड टोर कन्वर्टर. ये दोनों का अगर मैं वर्किंग प्रिंसिपल देखूं तो फ्लूइड कपलिंग और टोर कन्वर्टर दोनों का वर्किंग प्रिंसिपल सेम है. ठीक है, दोनों में ही अपने पास फ्लूइड के थ्रू क्या करेंगे, पावर को ट्रांसमिट करेंगे अपने पास. ओके, बट एक मेन डिफरेंस क्या होता है कि टोर कन्वर्टर के अंदर हम यहाँ पर एक एडिशनल डिवाइस यूज करते हैं, दैट इज कॉल्ड द स्टेटर. टू चेंज द डायरेक्शन ऑफ फ्लूइड वी यूज ए एडिशनल डिवाइस या एडिशनल पार्ट दैट इज कॉल्ड द स्टेटर. सो दिस इज कॉल्ड द टोर कन्वर्टर. तो इसको थोड़ा ध्यान में रखना है कि फ्लूइड कपलिंग एंड टोर कन्वर्टर. नाउ दिस इज द स्कीमेटिक लेआउट. तो आप यहाँ पर देख सकते हैं दैट इज द इनपुट शाफ्ट. इनपुट शाफ्ट मीन्स जो कि इंजन शाफ्ट से कनेक्ट है, और आउटपुट शाफ्ट जिसको कि हम क्लच शाफ्ट भी बोल सकते हैं. यहाँ पर क्या होता है कि एक ड्राइविंग जो मेंबर है उसको हम पंप व्हील बोल सकते हैं, और जो ड्रिवन मेंबर है उसको हम टर्बाइन व्हील बोल सकते हैं अपने पास. तो लाइक इसमें भी हम देख सकते हैं कि जो फ्लूड होगा वो अपने पास यहाँ पर पंप के अंदर आएगा, अंडर प्रेशर क्या करेगा, टर्बाइन मीन्स ड्रिवन मेंबर के अंदर एंटर करेगा, और टर्बाइन की ब्लेड्स को रोटेट स्ट्राइक करेगा, जिससे क्या होगा वहाँ पर फोर्स लगेगा और टर्बाइन क्या करेगा, रोटेट करना स्टार्ट करेगा. जब टर्बाइन रोटेट करेगा मीन्स ब्लेड जब रोटेट स्टार्ट करेंगे तो वो अपने साथ साथ उस शाफ्ट को भी रोटेट करेंगे. जैसे कि आप पावर प्लांट में भी देख सकते हैं कि हाई हाइट से अपने पास क्या आता है, फ्लूड मूव करता है मीन्स अंडर प्रेशर या विद हाई काइनेटिक एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ जेट. अब जैसे ही उस जेट को हम टर्बाइन की ब्लेड से स्ट्राइक करेंगे तो वो क्या करेगा कि ब्लेड के ऊपर प्रेशर फोर्स अप्लाई करेगा और उस ब्लेड को उस जगह से डिस्प्लेस कर देगा. फिर नई ब्लेड आएगी, फिर उसके ऊपर प्रेशर अप्लाई होगा, फिर वो डिस्प्लेस होगी. तो इट मीन्स वो ब्लेड से वो रोटेट करेंगे एंड दीज ब्लेड्स आर माउंटेड ऑन ए शाफ्ट. सो द शाफ्ट इज ऑल्सो रोटेट विद द ब्लेड. इट मीन्स जो फ्लूइड पावर है इट इज कन्वर्टेड इन टू द मैकेनिकल पावर. सो द मेन पार्ट्स ऑफ द फ्लूइड कपलिंग is first one is the housing, means it is also known as the cell and it has watertight seal around the drive shaft. It also protect the impeller and turbine from outside damage. मतलब एक तरह का housing means आप इसको cover बोल सकते हैं. Second one is the impeller or pump. Impeller or pump, it is a turbine which is connected to the input shaft, जैसे कि diagram में देखा, and called as impeller. It is also known as pump because it act as a centrifugal pump. Next part is the turbine. It is connected to the output shaft to which the rotational power is to be transmitted. Next, working of fluid coupling. So, as the prime mover moves, it rotates the impeller of the coupling.
ठीक है, जो ड्राइविंग मेंबर है दैट इज द इम्पेलर. द इम्पेलर एक्ट एज ए सेंट्रीफ्यूगल पंप एंड थ्रो द फ्लूड आउटवर्ड एंड डायरेक्ट इट टुवर्ड द टर्बाइन ब्लेड. मीन्स जैसे फ्लूड आपके पास इम्पेलर के अंदर एंटर करेगा तो इम्पेलर है वो सेंट्रीफ्यूगल पंप की तरह काम कर रहा है. और आपको मैंने अभी बताया सेंट्रीफ्यूगल का मतलब कि वो आउटवर्ड डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करेगा. और जैसे ही ये फ्लूड अंडर प्रेशर मीन्स टर्बाइन के अंदर एंटर करेगा तो टर्बाइन की ब्लेड को स्ट्राइक करेगा. एज द हाई मूविंग फ्लूड स्ट्राइक्स, जैसे जितनी ज़्यादा स्पीड से स्ट्राइक करेगा, जितनी ज़्यादा वेलोसिटी से स्ट्राइक करेगा, उतनी ज़्यादा क्या होगी टर्बाइन की ब्लेड रोटेट करेंगे. एंड इट ऑल्सो स्टार्ट रोटेटिंग आफ्टर स्ट्राइकिंग ऑन द ब्लेड डायरेक्शन ऑफ द फ्लूड इज चेंज. ठीक है, तो एज द इंपेलर स्पीड इंक्रीजेज द स्पीड ऑफ द टर्बाइन ऑल्सो इंक्रीजेज, टर्बाइन की स्पीड भी बढ़ेगी. तो आफ्टर सम टाइम द स्पीड ऑफ बोथ इंपेलर एंड टर्बाइन बिकम्स इक्वल. इन दिस वे पावर इज ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन शाफ्ट टू अनदर बाय द यूज ऑफ फ्लूड कपलिंग. ठीक है, इन सेम वे टॉर्क कन्वर्टर वर्क बट द डिफरेंस इज दैट इट हैज स्टेटर. जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि इट हैज द सेम वर्किंग प्रिंसिपल, द टोर कन्वर्टर हैज द सेम वर्किंग प्रिंसिपल एज द फ्लूड कपलिंग. द डिफरेंस इज दैट इट हैज स्टेटर प्लेस्ड इन बिटवीन इम्पेलर एंड टर्बाइन फॉर टोर्क मल्टीप्लीकेशन. ठीक है, यहाँ पर क्या होगा, हम एक स्टेटर को यूज करेंगे बिटवीन द इम्पेलर एंड टर्बाइन. नाउ द एप्लीकेशन ऑफ द फ्लूड कपलिंग, द फर्स्ट वन इज इट इज यूज इन ऑटोमोटिव इंडस्ट्रीज फॉर द ट्रांसमिशन ऑफ पावर फ्रॉम द इंजन टू द व्हील एज अल्टरनेटिव ऑफ क्लच. क्योंकि जैसे कि हमने डिफरेंट टाइप्स की क्लच पढ़ाया है तो यहाँ पर हमने देखा है कि फ्रिक्शन होता है, हीट जनरेट होती है, तो ड्यू टू हीट मीन्स काफ़ी स्ट्रेसेस जनरेट होती हैं, तो आप काफ़ी क्रैक्स डेवलप हो सकते हैं. या फिर मैकेनिकल जहाँ भी कंपोनेंट जितने ज़्यादा होंगे बेटा तो आपको मालूम है कि उतनी ज़्यादा वहाँ पर एनर्जी लॉस होगा. ठीक है, सो मीन्स हमने क्या किया कि मैकेनिकल लिंकेज को ख़त्म किया या मैकेनिकल कंपोनेंट को कम किया और उस इंजन जो पावर है उसको हमने वन प्लेस से या वन शाफ्ट से दूसरे शाफ्ट पर ट्रांसफर किया विद द हेल्प ऑफ फ्लूइड या हाइड्रो डायनामिक फोर्स. नेक्स्ट, इट इज ऑल्सो यूज इन मैरीन प्रोपल्सन सिस्टम एंड इट इज यूज इन वेरियस इंडस्ट्रीज फॉर द पावर ट्रांसमिशन. सो वी फिनिश दिस लेक्चर.